रखवाले। जब भी मैं ये शब्द बोलता हूँ तो कल्पना में सबसे पहले आता है कि 80 के दशक में कोई फिल्म बनी होगी, फिल्म जिसमें सबसे ऊपर लिखा होगा एक्शन, रोमांस, मारधाड़, हिंसा, बदले इत्यादि से भरपूर। और निश्चय ही इस फिल्म में धर्मेंद्र या विनोद खन्ना जैसा कोई किरदार होगा जो स्टैंड गन 38 कार्बाइन लिए हुए पोस्टर से बाहर निकलने को आग बबूला होगा। रखवाले, जब भी मैं शब्द के बारे में सोचता हूँ मुझे लल्लन टॉप का कार्यक्रम भी याद आता है जो भारत की डिफेंस सर्विसेज के बारे में, भारत की सुरक्षा से जुड़े अलग अलग पहलुओं के बारे में बात करता है। रखवाले कार्यक्रम को मेरे सहयोगी निखिल आप तक लेकर आते हैं, लेकिन निखिल पिछले कुछ महीनों से व्यस्त थे, पहले चुनावी कवरेज, उसके बाद कोविड कवरेज और फिर स्वास्थ्य लाभ। निखिल अगले सप्ताह से आपके बीच हाजिर होंगे, इस बीच रखवाले नहीं आ रहा था, लेकिन आज सुबह जब अपने राम उठे तो देखा निखिल सक्रिय है। फेसबुक पर उन्होंने एक लंबी पोस्ट लिखी, वो पोस्ट मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि क्यों ना रखवाले को इसी पोस्ट के जरिए दोबारा शुरू किया जाए और भविष्य में तो निखिल आकर अपना राजपाट संभालेंगे। तो आप देखिए ये रखवाले का खास अंक। INS राजपूत 21 मई 2021 को सेवानिवृत्त हो गया, भारतीय नौसेना का एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, या सिर्फ डिस्ट्रॉयर। एक डिस्ट्रॉयर का मुख्य काम नौसैनिक बेड़े को सुरक्षा देना होता है। आपने विमान वाहक पोतों की वो तस्वीरें देखी होंगी जिनमें वो एक बेड़े के साथ चलते हैं। डिस्ट्रॉयर अनिवार्यता ऐसे बेड़ों में तैनात किए जाते हैं। डिस्ट्रॉयर के क्रू को ये सुनिश्चित करना होता है कि दुश्मन किसी कीमत पर बेड़े के करीब न पहुंचने पाए, ताकि बेड़े के बड़े जहाज पूरा ध्यान अपने मिशन पर लगा सके, और अगर ऐसा हो जाए तो डिस्ट्रॉयर को दुश्मन और बेड़े के बीच दीवार बनना होता है। इसलिए डिस्ट्रॉयर फुर्तीले होते हैं, रफ्तार से तो चलते ही हैं, साथ में तेजी से दिशा भी बदल सकते हैं। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अपने साथ गाइडेड मिसाइल लेकर चलते हैं। INS राजपूत भारतीय नौसेना का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था। वैसे INS राजपूत इस जहाज का पहला नाम नहीं था, इसका नाम था नदेजनी, यानी कि उम्मीद। सितंबर 1976 में सोवियत संघ ने इसे निकोलाइव के 61 कम्युनॉट्स शिपयार्ड में बनाना शुरू किया था। आज की तारीख में ये जगह यानी कि निकोलाइव यूक्रेन में पड़ती है। एक साल में ये जहाज बनकर तैयार हो गया। सोवियत संघ 1960 के दशक से अपने लिए कशिन क्लास के जहाज बना रहा था। इसमें कुछ बदलाव किए गए और भारत की ज़रूरत के मुताबिक एक डिज़ाइन तैयार हुआ। इस डिज़ाइन के मुताबिक बना पहला जहाज था नदेजनी। 3 साल बाद जहाज आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। तारीख थी 4 मई 1980। इंद्र कुमार गुजराल उन दिनों सोवियत संघ में भारत के राजदूत होते थे, तो कमीशनिंग उन्हीं के हस्ते हुई और जहाज के पहले सीईओ बने कैप्टन गुलाब मोहनलाल हीरानंदानी। भारतीय नौसेना ने अपने नए नवेले जहाज को नाम दिया INS राजपूत D-51। INS राजपूत के डिजाइन वाले 4 और डिस्ट्रॉयर सोवियत संघ से भारत में आए। इनका क्या नाम था? INS राणा, INS रंजीत, INS रणवीर और INS रणविजय। ये सब राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर कहलाए। INS राजपूत अपनी क्लास का लीडरशिप होने के साथ साथ एक और मामले में अव्वल था। INS राजपूत के आने के बाद ही पहली बार नौसेना के किसी जहाज को सेना के किसी रेजिमेंट के साथ संबद्ध किया गया। INS राजपूत का धागा जोड़ा गया राजपूत रेजिमेंट के साथ। फौज में इसके लिए एक शब्द है, एफिलिएशन। सेना के तीनों अंगों की टुकड़ियों को आपस में एफिलिएट किया जाता है ताकि वो एक दूसरे को समझें और सीखें, और ये अनुभव लड़ाई के वक्त साथ काम करने में मददगार होता है। INS राजपूत ने कई अभियानों में हिस्सा लिया। 1987 में भारत ने श्रीलंका में शांति सेना भेजी तो नौसेना ने ऑपरेशन अमन शुरू किया। इस ऑपरेशन का मकसद था श्रीलंका में तैनात फौज की मदद करना। श्रीलंका में बखेड़ा चल ही रहा था कि नवंबर 1988 में तमिल उग्रवादियों ने मालदीव की राजधानी को अपने कब्जे में ले लिया। राष्ट्रपति गयूम की अपील पर भारत ने ऑपरेशन कैक्टस के तहत मालदीव में पैराट्रूपर उतारे। ये सेना के जवान थे जिन्हें वायुसेना के जहाज ले गए थे, इतना हम सब जानते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में नौसेना ने भी हिस्सा लिया था और जिन जहाजों को नौसेना ने तैनात किया था उनमें से एक था INS राजपूत। चूंकि राजपूत गाइडेड मिसाइल चला सकता था तो ये भारत के मिसाइल प्रोग्राम का भी हिस्सा बना।
पृथ्वी मिसाइल के नौसैनिक संस्करण है धनुष। इसे कई बार INS राजपूत से टेस्ट फायर किया गया है। टेस्ट फायर की जानकारी मिसाइल को और बेहतर बनाने में इस्तेमाल की जाती है। राजपूत से ब्रह्मोस मिसाइल के नौसैनिक संस्करण को भी टेस्ट फायर किया गया है। INS राजपूत का नारा था राज करेगा राजपूत, और राजपूत ने राज किया पूरे 41 साल। नौसेना में युद्धपोतों के नाम बरकरार रखने की परंपरा है। जहाज पुराने होकर कबाड़ बन जाते हैं, लेकिन उनका नाम जिंदा रहता है। जैसे भारत का पहला विमान वाहक पोत था INS विक्रांत। ये 1961 से लेकर 1997 तक सेवा में रहा। अब भारत ने पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत बनाया तो उसका नाम भी INS विक्रांत रखा। इसी तरह INS कलवरी एक पनडुब्बी थी जो 1967 से 1996 तक सेवा में रही। 2017 में पहली स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी नौसेना में शामिल हुई तो उसे भी INS कलवरी ही कहा गया। नौसेना इस तरह अपने अतीत पर गौरव भी करती है और अपने जहाजों की याद को जिंदा भी रखती है। तो क्या राजपूत से पहले भी कोई राजपूत था? जी था। INS राजपूत को उसका नाम पुराने INS राजपूत से मिला था, जो कि उसी की तरह एक डिस्ट्रॉयर था। और उस राजपूत की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और दिलचस्प है। हुआ यूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मित्र देशों को जहाजों, तोपों और तमाम दूसरे सैनिक साजो सामान की उतनी जरूरत नहीं रह गई, तो लड़ाई के दौरान हुए खर्च की भरपाई के लिए हथियारों की बिक्री शुरू हुई। थर्ड वर्ल्ड कहलाने वाले कई देशों के पास उस दौर में इसी तरह हथियार पहुंचे। भारत उन दिनों नया नया आजाद हुआ था। उसे अपनी नौसेना के लिए एक डिस्ट्रॉयर चाहिए था। इसलिए 1948 में भारत ने ब्रिटेन से HMS रोदरहैम खरीदा। 1949 में HMS रोदरहैम आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ और तब इसे नाम मिला INS राजपूत। INS राजपूत 1976 तक नौसैनिक बेड़े का हिस्सा रहा। उसके बाद इसे डिस्पोजल लिस्ट में डाल दिया गया। डिस्पोजल लिस्ट में जाने के बाद जहाज अमूमन कबाड़ में बेच दिए जाते हैं, लेकिन INS राजपूत स्क्रैप में ओझल होने वाला जहाज नहीं था। ये वो जहाज था जिसने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का अपने सिलसिलेवार ब्यौरे में नाम जोड़ा, PNS गाजी का डूबना, और इसमें INS राजपूत का जिक्र आया। हम जानते हैं कि PNS गाजी को लेकर फिल्में बनी हैं, कई बातें हुई हैं, फिर भी आपको रिकैप करा देते हैं। 16 फरवरी 2017 को रिडिफ न्यूज पर छपे विपिन विजयन के लेख में बड़े विस्तार से PNS गाजी के डूबने के बारे में बताया गया है। PNS गाजी पाकिस्तान ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया की पहली नौसैनिक पनडुब्बी थी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में PNS गाजी का एक ही मकसद था, भारतीय नौसैनिक बेड़े की शान INS विक्रांत को डुबाना। भारत के पास तब एक भी पनडुब्बी नहीं थी, इसलिए नई दिल्ली गाजी के मार्क 14 टॉर्पीडोज को लेकर बेहद सतर्क थी। लेकिन लड़ाई के वक्त बॉम्बे में, उस वक्त ये नाम था शहर का, विक्रांत की मरम्मत चल रही थी, सो गाजी का मकसद पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने दावा किया कि गाजी ने भारत के एक और जहाज INS ब्रह्मपुत्र पर 3 टॉर्पीडो से वार किए। इसके लिए गाजी के स्टाफ को मेडल भी बांट दिए गए, लेकिन भारतीय नौसेना के मुताबिक INS ब्रह्मपुत्र पर गाजी का हमला कभी हुआ ही नहीं। 1971 में भारत और पाकिस्तान तीसरी बार लड़ने को हुए तो गाजी को एक बार फिर INS विक्रांत को डुबाने का काम दिया गया। भारत को जैसे ही गाजी की भनक लगी, उसने विक्रांत और उसके बेड़े को अंडमान की तरफ भेज दिया। लेकिन पूर्वी नौसैनिक कमान के मुखिया वाइस एडमिरल नीलकांत कृष्णन जानते थे कि गाजी के रहते विक्रांत को खतरा बना रहेगा और इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है। तो उन्होंने INS राजपूत के कमांडिंग अफसर कैप्टन इंदर सिंह को एक ऐसा काम दिया जो सुसाइड मिशन से कम नहीं था। कैप्टन इंदर सिंह को अपना जहाज विशाखापट्टनम नौसैनिक अड्डे पर लाकर खूब सारे रेडियो संदेश भेजने थे, ताकि पाकिस्तानी नौसेना उन संदेशों को पकड़े और समझे कि विशाखापट्टनम में INS विक्रांत खड़ा है। इसके बाद गाजी को विशाखापट्टनम भेजा जाता है, जहां भारतीय नौसेना पहले से ही उसके स्वागत के लिए तैयार थी। 3 दिसंबर 1971 की शाम को पाकिस्तान ने ऑपरेशन चंगेज खां के तहत पश्चिमी सीमा पर भारतीय वायुसैनिक अड्डों पर हवाई हमला किया। भारत और पाकिस्तान के बीच इसके साथ ही तीसरी दफा युद्ध शुरू हो गया। कैप्टन इंदर सिंह जानते थे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने INS राजपूत में ईंधन भरवाया और सारे नेविगेशन एड बंद करके आधी रात के करीब बंदरगाह से चल निकले। वो जैसे ही बंदरगाह से बाहर आए, आधे मील दूर उन्हें पानी में भारी हलचल नजर आई। कैप्टन इंदर सिंह समझ गए कि वहां कोई पनडुब्बी गोता लगा रही है। वो अपने जहाज को तेजी से उस जगह ले गए और 2 डेप्थ चार्ज दाग दिए। डेप्थ चार्ज पानी में गहरे उतरकर ताकतवर धमाका करते हैं। इन्हें पनडुब्बियों के खिलाफ एक असरकारक हथियार माना जाता है। डेप्थ चार्ज दागने के बाद INS राजपूत
आगे बढ़ गया और गाजी समंदर में दफन हो गया। रात 12:15 पर विशाखापट्टनम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रेडियो संदेश सुनने के लिए जाग रहे लोगों ने एक जोरदार धमाका सुना और इसी धमाके के साथ पाकिस्तानी नौसेना का ताज PNS गाजी हमेशा के लिए बंगाल की खाड़ी में दफन हो गया। वो INS राजपूत का शिकार बन चुका था, वही INS राजपूत जिसे नौसेना युद्ध से एन पहले डीकमीशन करने का मन बना रही थी, यानी रिटायरमेंट से ठीक पहले INS राजपूत ने अपने करियर का सबसे बड़ा काम किया। यहाँ ये जानना जरूरी है कि घटनाओं का ये विवरण भारतीय नौसेना का दिया है। पाकिस्तान की नौसेना ने कभी नहीं माना कि गाजी INS राजपूत का शिकार बनी। वो कहते हैं कि गाजी विशाखापट्टनम में पानी के भीतर बारूदी सुरंगें बिछा रही थी। क्योंकि विशाखापट्टनम में तट पर घुप अंधेरा था, इसलिए गाजी का चालक दल अपनी पोजीशन का ठीक हिसाब नहीं लगा पाया और पनडुब्बी अपनी ही बिछाई सुरंगों से टकराकर हादसे का शिकार हो गई और इसके 10-15 बाद INS राजपूत ने डेप्थ चार्ज दागे। लेकिन इन दावों और आपत्तियों पर से परे एक चीज स्थायी है, INS राजपूत का नाम भारतीय नौसेना के इतिहास के सबसे नाटकीय घटनाक्रमों में से एक से हमेशा के लिए जुड़ गया। वैसे INS राजपूत से जुड़ा ये इकलौता दिलचस्प किस्सा नहीं है। भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले इस जहाज का इस्तेमाल आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ भी हुआ था, मतलब तकनीकी रूप से। 1942 की बात है, जापान हिंद महासागर के इलाके में पूर्व से पश्चिम की तरफ हर ताकत को रौनते हुए आगे बढ़ रहा था। मार्च के महीने में ब्रिटेन को रंगून से पीछे हटना पड़ा। ब्रिटेन समझ गया कि अब जापान अंडमान की तरफ बढ़ेगा, सो एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी को छोड़कर पोर्ट ब्लेयर खाली कर दिया गया। 23 मार्च को जापानी सेना ने पोर्ट ब्लेयर पर कब्जा किया। अंग्रेज अफसरों को जापानियों ने सिंगापुर की जेल में भेज दिया। उनके सिख सिपाहियों को विकल्प दिया गया कि चाहे तो सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल हों। ज़्यादातर सिखों ने ऐसा किया भी और बोस ने अंडमान को शहीद द्वीप और निकोबार को स्वराज द्वीप का नाम भी दे दिया। दिसंबर 1943 में जापानियों ने अंडमान में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कर दी। ये बस नाम के लिए था, क्योंकि सारी बड़ी चीज़ों का नियंत्रण जापानियों के हाथ में रहा। ब्रिटेन अपने अपमान का बदला लेने पर आमादा था, तो उसने मौका मिलते ही अंडमान में जापानियों को निशाने पर लिया। आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने चूंकि जापान का साथ दिया था, तो उसके लोग अब ब्रिटिश हुकूमत के लिए गुनहगार थे। जून 1944 से ब्रिटेन ने अंडमान पर गोलीबारी शुरू की। तब रॉयल ब्रिटिश नेवी का जो बेड़ा अंडमान गया था, उसमें HMS रॉदरहैम भी शामिल था। रॉदरहैम का काम था अंडमान पर बम बरसा रहे जहाज़ों को सुरक्षित रखना। मार्च 1945 में रॉदरहैम ने पोर्ट ब्लेयर पर खुद भी गोलाबारी की। इसके बाद उसे उन जहाज़ों का पीछा करने में लगाया गया जिनमें सवार होकर जापानी अंडमान से भाग रहे थे। आखिरकार जापानियों को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल नाथू सिंह राठौर के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसी के साथ अंडमान में आज़ाद हिंद फौज के दिन खत्म हुए। वो फौज जो एक आज़ाद हिंद का ख्वाब देखती थी, जिसके खिलाफ एक जहाज को इस्तेमाल किया गया और जो बाद में आज़ाद हिंद की फौज का हिस्सा बन गया। ये सारी जानकारी जैसा मैंने पहले बताया मेरे साथी निखिल ने जुटाई। रखवाले का ये संस्करण आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पॉलिटिकल किस्से सुनाता हूँ, आज अपने राम के हिस्से में फौजी किस्से आ गए।